नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मे सिन्हा। बिहार में सियासी संग्राम के बीच मनोज तिवारी की एंट्री हो गई है। मनोज तिवारी ने नीतीश बाबू और महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने नीतीश बाबू की समाधान यात्रा पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। वहीं महागठबंधन को निभाने की नसीहत भी दे डाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिहार दौरे पर हैं। दिल्ली से कैमूर पहुंचे मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कई नसीहत भी दे डाली। मनोज तिवारी ने नीतीश बाबू के समाधान यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार वाकई में समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लोगों से मिलना होगा, बैठकर बातें करनी होगी, उनकी बातों को सुनना होगा। किसी के आने जाने से किसी का समाधान नहीं होता है। जब से नीतीश कुमार का आरजेडी से गठबंधन हुआ है तब से रोज झगड़े सुनने में आ रहे हैं जो सही नहीं है। जब गठबंधन किया है तो इसको चलाइए। वहीं आपको यह भी बता दें कि मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करने के दौरान यह भी कहा कि फिलहाल बिहार की जो स्थिति है उसका सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। यह बेमेल गठबंधन हो गया है जो जनमत था इसके लिए नहीं था, फिर भी चल रहा है। जब आप मिले हैं तो चलाइए, झगड़े इस गठबंधन में हो रहे हैं। ऐसे में समाधान तभी होगा जब लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। मेरा निवेदन है बिहार के लोगों की आवाज बिहार की सरकार सुने, उसमें बहुत सारे समाधान निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। नीतीश बाबू की समाधान यात्रा कितनी सफल हो रही है इस पर तो रोज बयानबाजी हो ही रही है, लेकिन नीतीश बाबू समाधान यात्रा से क्या सचमुच कोई समाधान निकालना चाहते हैं या फिर ये यात्रा सिर्फ जनता के नब्ज टटोलने के लिए है, ये बड़ा सवाल है। वहीं महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसका भी अंदेशा पूरे देश को लग चुका है। अब ऐसे में देखना यह है कि मनोज तिवारी के बयान पर नीतीश बाबू की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसका सभी को इंतजार है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।